हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है आज? क्या है खाने में? क्या है आज स्पेशल? आज है आलू मटन पुलाव। आलू मटन और पुलाव, वाह वाह वाह, पुलाव आज आलू मटन का पुलाव है। चलो देखते हैं आज की रेसिपी क्या है और क्या क्या खाने में। दही भी है, मटन है हाफ के जी मटन, ये दो आलू है, आलू, ये ऑनियन है तीन, ये 500 ग्राम राइस है बासमती राइस, ये गरम मसाला है, फुबादिया फूल है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, लौंग है, जीरा है, तजपत्ता है, ये टमाटर है, हरी मिर्ची है, दही है, मसाले हैं, हल्दी है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची है, नमक है, रेगुलर मसाले। ये अभी हमने गोश्त को बॉईल करने रखा है, उसमें हम लोग डालेंगे अदरक लहसुन हाफ स्पून डालेंगे, इसमें हाफ स्पून सॉल्ट डालेंगे, नमक डाल दिया। इसमें हाफ अभी आधा डालेंगे गरम मसाला, सब आधा आधा गरम मसाला, तीन लवंग लौंग डालेंगे, जावित्री थोड़ी सी डालेंगे, ये देखो जावित्री है, हाँ, ये जीरा पाउडर जीरा डालेंगे, तजपत्ता डालेंगे, बड़ी इलायची डाल देंगे, एक फूल डाल देंगे, दो तीन काली मिर्च डाल देंगे। अभी हम इसको बघार के लिए रखने देंगे, थोड़ा जो बचा हुआ है बघार के लिए। अभी इसमें हम हाफ ऑनियन डालेंगे और एक ऑनियन भी ऐड कर देंगे, वाह, ये हम इसको मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पानी चल जाएगा फिर थोड़ा सा डाल देंगे। स्पून वही डाल देंगे, बाद में हम दूसरा दही बाद में डालेंगे, उसमें चावल में इसको अच्छे से पानी थोड़ा सूख जाने देंगे, दो तीन हरी मिर्ची डाल देंगे, तीन चार हरी मिर्ची डाल देंगे, उसमें हाफ ग्लास पानी डाल देंगे, पानी ऐड कर दिया, पानी डाल देंगे, पानी ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो पानी चावल, चावल में ले लेंगे, चावल में आ जाएगा, जितना भी पानी डाल लो डाल सकते हो, चावल में आ जाएगा। अभी हम इसको विसल बजा के 5 मिनट स्लो गैस पे रखेंगे, एक विसल बजाएंगे और 5 मिनट स्लो गैस पे रखेंगे, तेल लेंगे, एक स्पून घी लिया, एक स्पून तेल लिया, हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी हम सीटी बज गई है, स्लो कर लेते हैं, साइड बाय साइड थोड़ा काम हो रहा है, इसमें तो उसका काम हो गया, बहुत गलने लग गया, इसी गए हम लोग ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको आलू है, आलू को पहले हम फ्राई कर लेंगे, तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद आलू अंदर डाल के फ्राई कर लेंगे। इसको आलू को मैंने हल्दी और नमक लगा के थोड़े आधा घंटे के लिए रख दिया था, नमक और हल्दी में रखा हुआ, इसको अच्छे से थोड़े से फ्राई कर लेंगे, फिर बाद में इसको निकाल लेंगे। बचपन में हम लोग फ्राई किया आलू खाते थे, बहुत प्यार आते एकदम, है ना, मज़ा आती थी वो, जो लोग उस टाइम देता, अभी आजकल के बच्चे को देते हो तो पसंद भी नहीं करेंगे, हम लोग तो जैसे वो बाहर लेके बैठती थी ना रोड पे, आके स्कूल के पास हुआ
शौक से खाते थे हम लोग। उस टाइम पे तो ना हाइजीन का लफड़ा था ना कुछ था, अभी तो बच्चे लोग का हाइजीन का लफड़ा ये वो मैदा कमजोर हो गया सबका इसके लिए, है ना। आलू फ्राई निकाल लिया हमने, ऑनियन डाल देंगे। हाफ इसमें डालिए बॉईल करने में, हाफ इसमें डालिए। अब ये जो हमने हाफ गरम मसाला रखा था वो अभी इसमें ऐड कर देंगे। चलो अब गिरस्ता रेडी होने का आ गया है। अभी रास्ता रेडी हो गया, अब हम लोग हाफ इसमें रहने देंगे और हाफ थोड़ा सा निकालेंगे ऊपर डाल लगाने के लिए। हमारे पास तो रेडीमेड रखते हैं, नहीं बना के भी मैं रखती हूँ। इसको डालने के लिए थोड़ा सा भी रास्ता निकल गया। अभी हम इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे, कटी काटी लगी जाती है। मटन क्यूब का है वो मटन क्यूब डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, मेरे पास पुदीना नहीं है तो मेरे पास सूखा पुदीना है वो डाल देते हैं। सूखा कर रखा हुआ है, सूखा कर रखा है। ये हम इसमें गार्लिक पेस्ट डालेंगे, गार्लिक पेस्ट वो नहीं ना कुछ कम करने के हमने बने ना कुछ कम डाला है। अंडा डालेंगे ताकि उससे ग्रेवी अच्छे थिकनेस ज़्यादा अच्छा आएगा। अंडा ऐड डाल देंगे, दो स्पून दही डाल देंगे। और इसे ब्लैक पेपर डाल दूंगी, काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर डाल दिया। ये आलू डाल देंगे अभी हम, मटन हो गया, अभी अपना बॉईल हो चुका है, हो चुका है मटन, मटन दे दिए। अभी थोड़ा सा कसर है तो वो बॉईल उसमें आ जाएगा, चावल के साथ दम आएगा, चावल के साथ में आएगा। थोड़ा एक थोड़ा कसर रहने देने का, वो चावल के साथ आ जाएगा। बैठे मसाले का वजन भी अच्छा गुन जाए, उसका टेस्ट उसमें एक दूसरे में आ जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको मटन पर थोड़ा सा अच्छा भुनाने देंगे, मटन के अंदर आ जा रहा है। मसाला खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, थोड़ा भून जाएगा फिर बाद में हम ये पानी डाल देंगे इसमें। बासमती राइस, हाँ ये देखो बासमती राइस हम लोगों ने ऑलरेडी एक पहले एक डेढ़ घंटे पहले से भिगो के रखे हुए ताकि वो जल्दी हो जाए। ये पानी भी रहना ताकि ये चावल बनेंगे अब तेल छोड़ गया है, अभी हम ये पानी इसमें ऐड कर देंगे। मटन का जो पानी बचा हुआ था इसमें डाल दिया, थोड़ा इसको बॉईल होने देंगे। पानी मसाला सब अच्छे से बॉईल हो चुका है, भून चुका है, अभी हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। बोस वगैरह सब बना देंगे, अभी राइस ऐड कर देंगे, इसमें चावल ऐड कर देंगे। अभी हमको और इसमें एक ग्लास दो ग्लास पानी डालना है। पानी का लेवल ड्रेन है चावल के लिए अपने हिसाब से, क्योंकि हमने ऑलरेडी चावल भिगो के रखे हुए हैं तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बिरयानी के और इसमें तो पुलाव में तो थोड़ा क्रिस्पी हो तो मज़ा आता है। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, एक छोटा टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे, एक चम्मच। ऑलरेडी हमने दो चम्मच पहले उसमें बॉईल करने में डाला था नमक, बाद में अभी एक चम्मच दो चम्मच डाल देंगे। ये अंदर तक लेके जाके दिखा रहा हूँ आपको, वो मसाला वाह पूरा एक दूसरे में मिक्स हो गया, तब मज़ा भी कुछ हो रहा है। अच्छा
ये देखो ये अभी हम लोगों ने इसको कवर कर दिया है ढक्कन लगा के ताकि थोड़े चावल बन जाए और बाद में उसमें भाजी में भी हम मीडियम गैस पे अभी रखा है 5 मिनट गैस पे रखेंगे बाद में हम तवे पे दम पे रख देंगे दम करने के लिए 10 मिनट पे वो जो तवा भी इधर गर्म हो रहा है क्या धीमी धीमी आंच पे बाद में दम करने रखेंगे ना वो तवे की वजह से क्या धीमी धीमी आंच पे होएगा एकदम उसका टेस्ट ही जाएगा कुछ अलग होगा पानी सूख चुका है अब हम इस पे किचन में पूरी खुशबू आ रही है फिर रख देंगे तवे के ऊपर ओके 10 मिनट हम तवे पे रखेंगे फिर हमारी आलू मटन पुलाव रेडी है ओके फिर हम आपको रात को टेस्ट कराएंगे आप बताओ हम भी बताएंगे आपको कैसा टेस्ट है फिर मिलते हैं इंशाल्लाह खाने की टेबल पे वाह क्या स्मेल है ये कौन सा है अपना आलू मटन पुलाव आलू मटन पुलाव रेडी अभी हम लोग खाएंगे इंशाल्लाह टेस्ट अच्छा होगा हमारा मटन आलू पुलाव रेडी है।